यस हेलो जग्गू एंड गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं द वुड ऑफ फ्लावर्स। ओके जग्गू, इस पोएम को ध्यान से सुनना। ओके जग्गू, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा सब मुंह बना के बैठता हमेशा। देखिए सब लोग, अब मैं ये रिकॉर्डिंग करके ना 4 महीने के बाद भेज दूंगा। वो वाली तो भेज थी, उसमें तो वो हंस रही है। अभी इसमें जाकर ज्यादा हंसी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके जग्गू, ओके सो नाउ वी स्टार्ट। ओके चलो, तू मेरी बात ध्यान से सुन। क्या तेरे को आता है करना कुछ? नहीं, तेरे को कुछ नहीं आता। एक सेकंड रुको, मैं वो लेके आया बुक। मैं अपनी ये हटा लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा द वुड ऑफ फ्लावर्स। ओके, आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स, नो वन वॉज विद मी। बोल जग्गू। ठीक है, नहीं बोलना तेरे को तो मैं बोल लूंगा। I was there alone for hours. I was happy as could be in the wood of flowers. There was grass on the ground. There were leaves on the trees, and the wind had a sound of such. वो सच बोल जग्गू, उसके आगे क्या आएगा? जग्गू नहीं पता। किटी, दैट आई वाज हैप्पी एज हैप्पी। जग्गू तेरी वजह से मेरा गलत हो गया। जग्गू अब की बारी मैं रिकॉर्डिंग करके ना उनको सॉरी शिकायत करूंगा। तेरी वजह से ये हो गया। दैट आई वाज एज हैप्पी could be in the wood of flowers। जग्गू क्या तेरे को कुछ समझ आया? नहीं, इसको नहीं आया समझ। नहीं आया इसको समझ क्योंकि तू पागल है, इसका दिमाग ही नहीं है। सही कह रहा हूँ ना मैं जग्गू? तुझे कुछ भी नहीं आता समझ, और वैसे भी तेरे पास नहीं है दिमाग, है ना? एक सेकंड रुको, मैं अपने नोन कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है जुगू, है ना? चलो जुगू, एक सेकंड रुकना। मैं अपना लैपटॉप यहाँ रखूंगा। ओके, अब मैं कुछ लिखूंगा यहाँ। इस मार्कर से मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखूंगा और तेरे को ध्यान से देखना है, और मैं अपने कंप्यूटर को फिर से घुमा दूंगा। अब ध्यान से नहीं देखा ना, मैं तेरी ना बोर्ड वो करूंगा पिटाई घर आके। अब देख जग्गू मैं क्या लिखूंगा। देखते रहिए बिल्कुल, और बिल्कुल शरारत मत करना। ओके जग्गू, मेरे को शरारत नहीं करना। एक सेकेंड, आई वेंट, सुन रहा है? आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स जग्गू, फ्लावर्स याद रखिए इसकी स्पेलिंग। LOWERS, फ्लावर्स।
I went to the wood of last. No one was with me. अब मैं लिखूंगा ये. No one was with. जब वो तू मुझे ऐसे मत देख, मुझे अब हंसी आ रही है और तेरी वजह से मेरा ये टी गंदा हो गया. With me. ओके जग्गू, ये लाइन याद रख. ये सारी लाइन तेरे को याद रखनी है जग्गू. तू एक बार भी कहीं पर ना ऐसे बोला ना, मुझे ये नहीं आती, मुझे याद नहीं है, मैं पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूंगा जी. मैं नहीं चाहता मैं तेरी वो करूं पिटाई, लेकिन करनी पड़ेगी अगर तू नहीं सुनाएगा. I was there alone for hours. तेरे को दिख रहा जग्गू ये? नहीं 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 दूर कर दिए थोड़े ना, इसलिए नहीं दिख रहा. I was जग्गू देख, अगर तू ना मुझे फिर से हंसाए ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जग्गू. तू बार बार आप बचाए. I was there. I was there alone. Alone for hours. दिख रहा है क्या तेरे को? For hours. समझ गया जग्गू तू? तेरे को कुछ ना कुछ तो याद करना चाहिए जग्गू. For hours. Ours. Okay, Jaggu. Ours. I was happy as could be. I was. Jaggu, मैं तेरे बहुत पिटाई करने वाला हूँ, बहुत हंसा रहा है तू मुझे आज. तूने मुझे परेशान कर दिया. I was happy as could. जग्गू तू क्या सुन रहा है? जग्गू तू मुझसे इतना गलत क्यों करवा रहा है? Could be. सुन रहा है चूट जग्गू? मैंने ये सारा लिखा. Could be in the wood of flowers. अब मैं यही लिख दूंगा in the wood of flowers.
flowers. There was grass. ओके जग्गू मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख. There was flowers. अब मैं यहां से लिख दूं जग्गू, यहां से. ये क्या, अरे पेज काट गया. ओ सॉरी जग्गू, तू इतना मत हंस, तेरी वजह से मेरा भी गलत हो जाता. देयर वाज ग्रास. There was grass. On the ground. On the ground. जग्गू ध्यान से देख रहे ना, एक सेकंड रुकना जग्गू, अभी मेरा है लंच टाइम, तू इतने ये सारी लाइन पढ़ो और याद कर. मैं यहाँ लिख दूँ जग्गू यहाँ पर. अब मैं इसकी अगली लाइन की यहाँ पर लिख दूँ, फिर मुझे ऐसे नीचे नीचे दिखता है, फिर मैं ऐसे यहाँ तक नहीं ले जा पाता हाथ. अब मैं यहाँ लिख दूँ, डियर तू इतने ये सारी लाइन याद कर देती, देखो कुछ ही, कुछ भी नहीं होते याद. Leaves on the trees. On the trees. वो जग्गू अभी मेरी बहन आई थी मुझे केला देने. ऑन द ट्रीज. ओके जग्गू मैं खाता भी जाऊंगा, और तू इतने ये लाइन याद कर रही मिली, वरना मैं तेरे बहुत पिटाई करूंगा अभी.
of such kitty, GAIETY. That I call as happy as happy could be. बस खत्म होने वाली है, जग्गू अभी सारी ध्यान से सुन। as happy as happy could be in the wood of flowers. बस ये आखिरी लाइन है। प्लस जब मेरे से लिखा नहीं गया ठीक से, मैं पर एस फिर से लिखता हूँ। यस, अब जग्गू ये सारा ये खत्म हो गई। अब मैं ये पकड़ के बताऊंगा तुम्हें यहाँ बोर्ड से। ओके, आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स, no one was with me, I was there alone for hours, I was happy as could be in the wood of flowers, there was grass on the ground, there were leaves on the trees, and the wind had a sound of such gaiety that I was as happy could be in the wood of flowers. अब जग्गू क्या तेरे को समझ आ गया? बोल जग्गू। इसलिए जग्गू मैं तेरे को इतना पढ़ाता हूँ, ओके? जग्गू क्या तूने किया गोइट? ये मैंने रिकॉर्ड की, क्या तूने किया गोइट? जल्दी कर जग्गू, जल्दी कर ले जग्गू गोइट और याद कर जो मैंने लिखा एबर। अरे जग्गू क्या हो गया, ये गिर क्यों गया? सॉरी पराना, इस जग्गू से एक बार बात करनी है मुझे। ओह यस सर, सॉरी जग्गू ऐसे छील देते हैं
इन सब चीजों को और मुझे ठीक करना पड़ता है सर। सर तो मैं क्या करूं सर? सर तो मैं क्या करूं, ये जग्गू ऐसे अपनी चीजें को छेड़ लेता है और हमेशा लेट जाता है और कुछ याद नहीं करता सर। सर तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता सर, सॉरी। अब आप इसको भगा दो। जग्गू ये मैंने क्या सुनी बात तुम्हारी, तुम्हारे फादर से है जग्गू? मैंने क्या सुनी, बोल जग्गू, मैंने क्या सुनी है बात तुम्हारे फादर से और तुम्हारे भाई से? ये कभी किसी की बात नहीं मानता, बोल जग्गू। का तेरे को कुछ भी नहीं पता क्या इस पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में बहुत सारे मेरे हैं सेकंड क्लास के बच्चे, तेरा भाई भी तेरे साथ आता है सेकंड क्लास में, क्योंकि तेरे भाई को तेरे लिए चिंता है। पहले अब वो थर्ड में हो गया, लेकिन अब वो फिर से सेकंड में आ गया अपने दोस्तों के पास, तेरे पास, ताकि मैं तेरा ध्यान रख सकूं। और तेरा भाई कितना अच्छा है जग्गू, समझ गया? मैं अपना केला खा लूं। जग्गू अपना चेहरा तो दिखा दे। जग्गू पता नहीं तो क्या क्या करता है, तेरी वजह से तेरी बहन को ठीक करना पड़ा। देखो तू तो बहुत शरारती है जग्गू, पता नहीं तेरा क्या क्या चलता रहता है जग्गू। बहुत तेरे तो बहुत सारा वो है सिस्टम, और तेरे ब्रेन के वो हिले हैं स्क्रू, इसलिए तू कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे सकता। अब जग्गू देख, तेरे को अब अच्छे से जवाब देना चाहिए और सारी बात माननी चाहिए। ओके जग्गू। और जग्गू देख, अभी हम टेबल भी करेंगे याद, समझ गया? तूने सोचा हम सिर्फ ये वाला काम करके बातें करेंगे, हम तब टेबल भी याद करेंगे इसके साथ, समझ गया तू? चलो अब मैं तुम्हें ये तो पका दी, अब मैं तुम्हें टेबल सुनाऊंगा। 0 2 20, 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 1 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 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 7 14 2 8 16 9 10 20 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 5 21 3 8 24 3 9
tens are 27, 3 tens are 30. Now 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25. 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 15. 6! 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 16. 7! 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63, 17 are 70. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 6 is 48, 8 7 is 64, 8 9 is 72, 8 10 is 80. 9, 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63, 9 8 is 72, 9 9 is 81, 9 10 is 90. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. 11, 11 ones are 11, 11 fours are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44, 11 fives are 55, 11 sixes are 66, 11 sevens are 77, 11 eights are 88, 11 nines are 99, 11 tens are 110. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108, 12 tens are 120. Jigu, tu dhyan se sun. 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 15 फाइव जा जग्गू अब तू बताएगा ओके जग्गू मैं कुछ बोल दूं वो ना मैं बोल देता हूं कुछ तेरे को नहीं पता तू ना हम ऐसा करते हैं हम ना टेर को सिर्फ 10 तक सिखाएंगे 10 तक ओके क्योंकि जब तू तुम्हारे भाई जितना बड़ा हो जाएगा फिर तू खुद सुना सकता है टेबल ओके जग्गू मैं सिर्फ टेर को 10 तक सुनाऊंगा और तेरा बड़ा भाई टेर को कल 20 का सिखाएगा 20 तक सिखाएगा तेरा भाई कल तेरे को मैं उसको वो कर दूंगा मैसेज क्योंकि ना अभी रिमेनिंग मीटिंग टाइम आ गया अब सिर्फ 6 मिनट बचे हैं फिर ग्रैंड होगी तो फिर मैं तेरे को नहीं सुना पाऊंगा इसलिए हम आज करेंगे 10 तक ओके जग्गू जग्गू देख क्या तेरे को 10 तक आती है टेबल नहीं आती ना जग्गू तो जग्गू मैं तेरे को कुछ बोल देता हूँ ध्यान से सुनो और सीधा बैठ तू
एक बार तुम्हारे बड़े भाई को दो फोन, या तो वो यही से बोल देगा ओके, एक बार तुम अपने बड़े भाई को दो। ये सर क्या पूछना है? ये गूंजते क्यों है आवाज? और सॉरी आवाज इसलिए गूंजती है क्योंकि ये जग्गू सारा सिस्टम बिगाड़ देता है। सर इसको टेबल इसलिए नहीं आती क्योंकि ये कभी सीखता ही नहीं, इसको कुछ भी नहीं आता सर। ओके सर, अब आप हमको वो कर दो म्यूट। जग्गू तू बोर है म्यूट, क्योंकि अगर मुझे तेरी एक भी आवाज सुनाई देगी तो ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी तेरी आवाज। अब तू वो ओके जग्गू, अब मैं कुछ तेरे को बता देता हूँ। तेरे को ना 10 तक टेबल याद हो जानी चाहिए कल तक। ओके, मैं कल फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा और तेरे को पढ़ाऊंगा और बोलूंगा क्या तेरे को टेबल याद हुई और तेरे को वो पोएम याद हुई। कल ऐसे पूछूंगा जग्गू, और कल वैसे भी फिर तेरे स्कूल 3 दिन में खुलेंगे और तेरे भाई के भी 3 दिन में। तेरे भाई भी तेरी क्लास में पढ़ते हैं सेकंड डे में। ओके जग्गू दी, तेरे को अगर कुछ भी नहीं पता ना तो ना तेरे को इंचार्ज मैम ना स्कूल से निकाल देंगी और छोटे वाले बच्चों के आगे भेज देंगी। ऐसे बोलेंगी ये तो बहुत छोटा बच्चा है, हमें क्यों रखे अपनी क्लास में। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा बच्चा है, इसको हम अपनी क्लास में क्यों रखे, ऐसे बोलेंगी। फिर वो एलकेजी वाली मैम, जब हम पहले गए एलकेजी में, जब पहले मैं भी था, जब मैं छोटा था, जब मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा, जब मैं एलकेजी में था, मेरी भी कोई मैम थी, अब वो उसी क्लास को पढ़ाती है। जग्गू जग्गू देख, तेरे को सारा सब कुछ तो याद करना ही होगा ना जग्गू। अगर तू याद नहीं करेगा तो तेरे माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा जग्गू, समझ गया जग्गू? मैं कुछ बोलता हूँ, हमें 239 मिनट्स में इस मीटिंग को एंड कर देंगे। और जब तुम बातें करते हो जग्गू देख, तू अगर ऐसे बैठा रहेगा तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझ गया तू जग्गू? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, समझ गया? और जग्गू देख, फिर तुम मेरे से मत पूछिए सर इसका आंसर क्या है, सर इसका आंसर क्या है, सर इसका आंसर क्या है। वैसे भी तेरे भाई का आखिरी हॉलीडे होमवर्क रहता है और तुम एक सेकंड भी नहीं किया, मेरा मतलब आपने एक सेकंड भी नहीं किया होमवर्क, समझ गया तू जग्गू? अब मैं आपको क्यों कहता हूँ ऐसे कि आप कभी अपना होमवर्क नहीं करते, मैं इसलिए तुम्हें कहता हूँ क्योंकि तुम असली में करते ही नहीं। जग्गू अब तू मेरी बात क्या समझ गया? हमें होमवर्क करने की बहुत जरूरत है, हम होमवर्क अगर करेंगे तो हम जब भी तो अच्छे बन पाएंगे और जब भी तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर तू होमवर्क नहीं करेगा तो तू कॉलेज में जाएगा, तेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे हैं जग्गू बोल?
पैसे तो फिर मिलेंगे ही नहीं जग्गू तेरे को। मैं इसलिए तेरे को सिखाता हूँ ताकि तू अच्छा इंसान बने और बहुत काम करे। अब जग्गू सिर्फ एक मिनट बची है। ओके जग्गू, अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अब जग्गू, क्या तेरे को पता चल गया मैंने क्या बोला? अब तेरे को काम करना है कल तक। कल तक तेरा हॉलीडे होमवर्क खत्म हो जाना चाहिए। फिर मैं ऐसे ही जूम करके पूछूंगा। फिर तू जब क्लास में जाएगा फिर तेरी मैम पूछूंगी। ओके, फिर मैं भी आऊंगा क्लास में। ओके जग्गू, तेरे को ये सारा सब कुछ याद रहेगा क्लास तक, जब तू क्लास में जाएगा 4 दिन में, और तेरा भाई भी। ओके जग्गू, डेट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।